तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इज द सोलर सिस्टम, जो अर्थ जो आप देख सकते हैं जो सौरमंडल है उसमें जो अर्थ जो हमारी पृथ्वी है उसका क्या कुछ है, उसमें क्या कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, किस तरह से जो अर्थ हमारी प्लेनेट है और कैसे इसको एक ब्लू प्लेनेट के नाम से इसमें जाना जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर अदरवाइज तो हम स्पेस से हम देखते हैं तो इस पर लगभग आप 71% ये जो हमें इस पर पानी नजर आता है लगभग इसको अर्थ को जब हम स्पेस से देखा जाता है तो पूरा हमें ये ब्लू नजर आता है, इसलिए अर्थ को ही हम ब्लू प्लेनेट के नाम से इसको जाना जा सकते हैं। तो सबसे पहले हेलेनिस्टिक बॉडीज इसके डेफिनेशन यहाँ पे सन एंड द ऑल द ट्विंकल्स ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर द कॉल्ड हेलेनिस्टिक बॉडीज, जैसे सूर्य प्लस इसके सब जो ट्विंकल जो बड़े जो तारे होते हैं उनको जिनका खुद का अपना जो लाइट जो जो प्रकाश खुद का और हीटिंग जो खुद का उसकी एनर्जी होती है जिसको किसके नाम से हेवनली बॉडीज के नाम से इनको जाना जा सकता है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं यहाँ पे गैलेक्सी, गैलेक्सी के बारे में एक होल सिस्टम ऑफ द मिलियन ऑफ द हेवनली बॉडीज एंड द स्टार लाइक द मिल्की वे फ्रॉम द गैलेक्सी, इसमें आपको देखिए मिलियन काफी हजारों करोड़ जो बड़े बड़े जो तारे होते हैं उनका एक ग्रुप एक समूह होता है जिसको हम किसके नाम से गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे के नाम से उसको भी या धूप मेखला के नाम से उसको जाना जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स के लिए बोला जाता है द काउंटिंग ऑफ द गैलेक्सी टू गैदर यूनिवर्स, काउंटिंग यहाँ पे हजारों जो तारे होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है ठीक है ना, उसको किसके नाम से यूनिवर्स के नाम से उसको जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टार, द क्रिस्टल बॉडीज विच हैव द देयर ओन हीट एंड द लाइट, जो कुछ बड़े जो तारे होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है खुद की एनर्जी होती है उसको हम किसके नाम से स्टार के नाम से इनको जाना जा सकता है। तो द क्रिस्टल बॉडीज विच हैव देयर द ओन हीट एंड एंड लाइट आर द कॉल्ड द स्टार। उसके बाद है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आर दोज हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स एंड द सन एंड डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इसमें कहते हैं जो प्लेनेट होते हैं जिनको ग्रह के नाम से जाना जाता है इनमें क्या होता है कि ये अपना उनका खुद का कोई भी ना तो लाइट उनका खुद का प्रकाश होता है ना खुद की एनर्जी होती है, ये किससे दूसरे पे डिपेंड होते हैं जैसे ही सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकते हैं। अभी आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा हम प्रेजेंट होते हैं। ओके थैंक यू।